राजी मोर हाथ में मत धर भैया मोर हाथ कर हाथ मत धर कते मत धर दे सीधा करत सी कम से कम 90-95 साल हो गए 95 साल हो गए दादा ला अरे बाप रे 95 साल आपला दादाजी और टूटे रि से की अर्जी रि से अरे टूटे रि से जे टूट गए जी तुम टमर के देखो ल जी उही ल तो तुम ल टमरा हो भैया हो कैसे लगा थे कैसे लगा तोला अभी कैसे लगा थे पैसा वैसा लगते कैसे नहीं लगे कैसे नारियल अगरबत्ती लगते अपन हिसाब से तोरे हिसाब से दे देते हैं और डरना मत कि ये सूजन हो ही ना मैं खुद बंधा रहे हो मैं देखे हो मोर शरीर में खुद परेशानी रही टूटे रहते तेला पूरा पट्टी बांध के जोड़ देते दवाई बांध मेरे पास बाहर के डॉक्टर मन मिले के भैया 500 रुपए लेते तो आप मना उतना भी नहीं लो यानी देखे 500 लेते आप शरीर के जो भी अंग है हड्डी वो जगह लो कर दवा में जोड़े पावर है कहा। वो मतलब हड्डी जो टूट गए ना मैं अभी इसमें पट्टी बांधूंगा गुरुजी जी जी है ब्लड तो रुकेगा तो उसको सूजन तो होगा ना तो उसको घबराना मत बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल है यहाँ आहू थे है ना है ना कोई हॉस्पिटल से आदमी यही अच्छा मैं खुद आ जब वहाँ थक जाते तब मैं खुद आ हम और पैर ठीक हो चार साल पहले इस प्रकार से आपके हाँ यूट्यूबर है बाबा बहुत दुनिया ले आहन हम मतलब फेमस वीडियो दूर से ना दूर दूर के आदमी मतलब जानकारी मिली आपके बारे में नमस्कार जय जोहर संगवारी हो आप मन के एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मोर नया वीडियो में। आज की छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वायरल तो नहीं है वो बबा लाल लेकिन मैं जानता हूँ ओकर जो अच्छाई है ओकर जो का काम है ओला मैं आप माला बताया जाता हूँ। कबर आप माला पता है सब लोग परेशानी होते सबके रिश्तेदार ला परेशानी होते हड्डी टूट जाना हड्डी में दर्द देना कई प्रकार के परेशानी है मोला कोई वो पैसा नहीं दे है जिला जेकर लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं आप मन के लिए बनाता हूँ कबर आप मन वो इतना वीडियो देखते हो तो मैं आप मन के हित के लिए कई सारा वीडियो बनाते रहता हूँ। आप मन के जो समस्या है वो समस्या ला कैसे टाइप के सुझाव करना चाहिए वैसा टाइप के मैं वीडियो बना रहता हूँ। जैसे मोर में विपत्ति है तो मैं सोचे हूँ कि आप मन के ऊपर ऐसे विपत्ति आते तो आप मन भटकू कहीं मत सिर्फ और सिर्फ आप मन राजनांदगांव से छुरिया वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में है और छुरिया से पड़गांव पर्राम टोला पर्राम टोला आप मन देखा तो पर्राम टोला 5 किलोमीटर की दूरी में एकदम टापो टाप रास्ता है जो रोड दिखी 2 किलोमीटर की दूर में पर्राम टोला है तो आप मन जा सकते हो यहाँ तो हमन भी चलथन आप मन दिखाथन वो गांव के लोग मन का कही थे ओकर बारे में। तो दुकान वाले पूछतन जय जोहर भैया तो आप का नाम लिख होगा तेज राम सहारे तो आपकी उम्र कति कब के धंधा करत हो मैं कम से कम मतलब 15-20 साल हो गए 20 साल हो गए हाँ। हम हाँ दादाजी के बारे में पूछबो थोड़ा से कई बताते कि 20-40 साल से हमन हाँ हम इलाज करत हन तो ओकर का सफर रही थे ओकर इलाज हाँ सफल रही रोग जोड़ देते कथे वहाँ से हाँ हड्डी ला पूरा टूटे रहते तेला पूरा पट्टी बांध के जोड़ देते दवाई बांध के रोज ऐसे पर कस्टमर आते कि हाँ रोज कम से कम 15-20 गाड़ी हर रोज आई हर रोज आते हर रोज हम दादाजी के बारे में पूछना चाहता हूँ जो हड्डी वाला जोड़ देते कहते टूट जा रहे थे वाला भी उसके बारे में थोड़ा जानते हो आप हाँ सुने तो हूँ ऐसे गाँव वाले मन बोलते है वो बहुत ग्राहक आते ओकर मतलब ही गाँव खरस गा हाँ भाई तो ओकर बारे में थोड़ा बताबो कि कब से करत है वहा ओकर इलाज किसे सक्सेस रहते नहीं रहा है। अब ऐसे तो हम देखते हुए में बहुत छोटे रहे नहीं तब से वो गरवा चरात रहे तो पहले वो गरवा जो आते नहीं ओकर हाथ पर टूटे ओला जोड़ दे तो वहां से वह ओकर बाद गरु गाय शेर वेरिल बेच दी बेचे के बाद वो घर में बैठी ना तो धीरे धीरे ओकर मतलब कस्टमर मन आद गी से ऐसे ना तब धीरे धीरे अब कहीं मतलब शरीर के जो भी अंग है हड्डी वो जगह लो कर दवा में जोड़े पावर है कहा। वो मतलब हड्डी जो टूट गए ना वो मांस से बाहर भर मत आना चाहिए अच्छा ताना
हर जगह जोड़े पावर है शरीर के कोई भी अंग के ऐसे का। हाँ जी जोड़ देते हैं गांव वाले मन पूरा यकीन करते पूरा यकीन है और दुनिया पूरा जाना थे होला आसपास के सब समझते होला और लॉकडाउन सब कर बंद रही से समय देख देख के वो कर आर्डर रही से सामने से वो चीज लाओ करत रही से लॉकडाउन में भी मतलब जोड़ा तरीके से। हाँ जी हाँ वो तो क्या है हड्डी ना अब ऐसे एक जगह टूट गया ऐसे रनिंग में यहाँ टूट गया ऐसे तो एक पट्टी में आ जाता है एक पट्टी। सुने हस बाबा का कारनामा वाला थोड़ा सा सुने होगा बहुत देर से सुना रहा था ऐसे का तो एक आध घंटा आपके रिश्तेदार वाला लाए हस। हाँ आ गए हैं मोरे खुद हो गए से मैं तो हड्डी दब गई ट्रैक्टर से गिर रहे हो नहीं एरिट हड्डी तेल निकाल गई सब प्रोसेसिंग कर दी ऐसे का ये में के रहा ये पक्की नहीं है। हां ये पक्की एकदम अंदर दब गई चेक तो गांव वाले मन हां पूरा बवच पे पास आ करा थे दर्द के भले सूजे लगे डॉक्टर जगह इलाज ही करे ऐसे का बवच पैसा वैसा लगते कैसे इतनी लगे कैसे नारियर अगर बत्ती लगते अपन हिसाब से तोरे हिसाब से दे देते हैं। कुल हावे प्राथमिक शाला परामपुरा तो परामटोला स्कूल के सामने ही ओकर घर है तो ये राजी मोर हाथ में मधन भैया मोर हाथ कर हाथ में मधन लगते मधन सीधा करत सीधा करत सीधा कर ही एक करी तरह भी इतनी हो जाए अब देखो अभी सीधा हो गया देख लो हो सीधा हो गया अभी कैसे लगत बाबा तोला का कैसे लगत पहली तरह में अभी तुरंत तो नहीं हो सके पहली तरह हां दर्द अभी पता नहीं चले बसरते जो हड्डी बाहर निकले इस ना वो सीधा हो अंदर हो गया हड्डी जो आप कमर के देखो तुमन मास्टर डॉक्टर आदमी हो ऐसे बात नहीं सुन लो बात मेरा जी 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 डॉक्टर अब वैद्य उसको भाई होता है जी जी तुम देख लो आप मैं तुमको टमराक दिखा रहा हूँ तुम तो डॉक्टर हो मैं तो अंधा आदमी हूँ यही पास टू तरीके से यही पास टू तरीके से जगह से बाहर निकल गई इसने निकले रिसी नहीं हाँ हाँ अंदर दब गए हैं ठीक है हाँ हाँ ये पर कोल माता जी इधर है आवाज जी इधर गुड इधर गुड गुड तहल मावे इधर सर हम और नहीं जी ये पैर लड़ा रहा सीधा कर सीधा इसे तो कुला भर ला जी उड़ान उड़ान आन मत ना ते आन मत ना ये काबर ना रहे ताकत मत लगा ये ले ताकत मत लगा हाथ ला ढीला छोड़ कन्हैया मारन दे तो हथरीला हाथ में मारन दे दाऊ जी एकदम जोरदार ठीक यस कैसे गुरु एकदम राम वाणी राज नहीं बहुत सुंदर हमन हमर गांव डहन एकदम चर्चा चलते आपके मन हां यू मन है वीडियो अगर देखा तो आप मन के देख सकते हो इलाज कुछ इस तरीका से होते हैं और हम आप मतलब बता दें छत्तीसगढ़ के राजनगर जिला के परामपुरा गांव हरे प्रणाम बोला अब दिखाओ तुम्हारे हाथ को ये दे दे मेरा हाथ ये हाथ का दिखाओ छुआए भर दिखा हां अच्छा खड़े कर भी दाऊ जी सीधा ये पकड़ो जी ये सीधा पकड़ ये एड़ा नाप कर मत दे ये हड्डी एक न है हरे हड्डी नहीं हरे 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 ते गलत है नहीं हड्डी हरे हाँ ले छोड़ दे गुरु जी ले शनिवार के रात आज पट्टी लाओ नीला जा पट्टी ला फट ले जा दुकान में जा ये हिचे मिलेगा जी हिचे मिलेगा अबे ना उसमें कोई मोल दोष नहीं है सब चीज आपके पास उपलब्ध है ना राजा जी सब चीज आपके पास उपलब्ध है सिर्फ आप पर सुजन हां अभी रहित का दादा सुजन अभी रहित दाऊ जी मैं कुछ नहीं कर सकूं सुजन के बात का इलाज तो आप देख सकते हो कितना प्रॉब्लम है रीज हमारे दादा जी है पूरा थक गए है पूरा होकर शरीर में इतना दर्द भी थे वह कुछ देर में एकदम आराम लगा थे इसे लगा हमला
तुरंत नहीं हो सका, तुरंत नहीं हो, मालिक थोड़ा से आराम तो लगी सोई दादाजी, राहत मिल गया, राहत राहत तो जरूर मिला थे, मिले गए। अरे हाँ, कम से कम 90-95 साल हो गए, 95 साल हो गए दादा ला। अरे बाप रे, 95 साल आपला लेकिन आप ना दुनिया में हो तो लोगन मन के भला करे बर ही आओ, इतना बड़े बड़े काम ला कर सकत हो, और गरीब आदमी मन हा आपके जगह ही ना तो एकदम बढ़िया रहा है, नहीं कर सकते बाहर जगह दुरुक बुलाई रायपुर जावेद भैया लाख रुपया नहीं बचे एक बार धर ही तेकर बार। और आप इतना अच्छा तरीका से आप मन हा ठीक कर देते हो भाई, एक से शायद बड़े से बड़े प्रॉब्लम देके आप ठीक कर देते हो आप मन हा। मैं नहीं कर रहा, नहीं नहीं भगवान करते, भगवान करता है, वो सूरज नारायण के बुलेल जात है। हाँ हाँ, कैसे है अभी देख लो, तुम्हारे एक सरा निकालना है तो निकाल लग सकते हो। लग जाता है अभी कैसे है अभी तुरंत तुरंत निकला तो ही ना जी होला जी पंचानवे देखो मैं तो तुरंत इंजेक्शन लगे से पिरा से का ये पिरा दर्द हो रही है दूर से बना दर्द हो रही है कन जी दर्द हो। देखो जी हम बता देते हैं हमला बाद में उसको दोष नहीं आना चाहिए। हां हां दर्द देती है मैं अभी मैं इसमें पट्टी बांधूंगा गुरु जी 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 है हाँ। ब्लेड तो रुकेगा जी तो उसको सूजन तो होगा हाँ। ना हाँ। तो उसको घबराना मत हाँ। बता देते है फोड़ा हाँ। फुंसी भी आ सकते है ऐसा बात नहीं हाँ। हाँ। वो पट्टी बांधने सेगा हाँ। कैसे लगा थे कैसे लगा तोला अभी कैसे लगा थे गा? निकले हुए रिसे अब एकदम बराबर ठीक हो गए दादाजी। और टूटे रिसे की अर्जी रिसे अरे टूटे रिसे जो टूट गए जी तुम टमर के देखो ना जी वही ला तो तुम ल टमरा हो भैया हो अलग हो कोई गलत तो नहीं करे हम यहां नहीं नहीं हैं ये तो अलग हो गए जी कौन ने घर में देख रहे हो ना जो हिला अभी पट्टी के बंधाई हुआ थी मसाज तो कर डली पता चल गई कि टूट गई करके और कुछ दिन में जुड़ जाएगी है ना दादाजी नहीं बता सकते तो चल भैया मोर कामला में कर दे हूं मोर कामला में कर दे हूं। हां हां दिल दवाई से लगाई से होने का नहीं खाना है दवाई के खाने से उसको कल नहीं खाना है टमाटर नहीं खाना है ना तो मही नहीं खाना है ना तो आमक चटनी खाना नहीं है खट्टा नहीं खाना है खट्टा नहीं खाना है भैया हो अच्छा खट्टा मेकर का परहेज वाला थोड़ा सा बता दे तो बताते हूं जी खट्टा भर से बच के रहना मछली खा सकता है वो परन खट्टा मत डालना तब खा सकता अच्छा चिकन भी खा सकते हैं हाँ जी अच्छा तो गोश्त खाते तो रोज नाम एक अंडा खाना जी दाऊ जी हैं रोज के एक अंडा खाना जी उबले वाले हैं बाद में अपन सारी लग खुद देख बाबा हाँ इधर बांधे बात और कितने दिन में आ लगते बाबा सात दिन में हाँ मैंने एक हफ्ता के बाद बात यही दिन में फिर आ जाए कैसे टाइप की गिरी से आधे बता सकते कैसे टाइप की गिरी है नाली दी से हाँ में हाँ उकरी वगैरह दारू भर से बच के रहना दारू नहीं होना भैया दारू के और एक कंटेशन हो जाएगा तब तो उसको हो जाए तो तेकर जवाबदारी में नहीं हो रहे भाई हो मैं बता देता हूँ ठीक है दारू भर से बच के रहना बड़ा होते का ठीक है ना हाँ नहीं पेशेंट मतलब के कितना नंबर के कस्टम ग्राहक हरे मतलब सुधार दलिस हाँ अभी अभी आज 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 के बाद हाँ 500 आदमी सुधर गए है अच्छा 500 आदमी ज्यादा सुधर गए पर कम नहीं है
ठीक, कब से करा तू दादा आप बताना हो थोड़ा से। ऐसे का एक दिन में कितना का जात हुई बाबा, फिर भी एक दिन में कितना चाहिए एकर हाथ लग से बांध सकते हैं कभी बांध नहीं जी नहीं मत बांध है ना मत बांध ते अलग से बैठ जी ते अलग से बैठ अलग से बैठ 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 लगा जाने जा सकते हो ना। आज इसके बाद आज वही से एक घटना आज लाहे ला और वैसे पट्टी वट्टी बांध डलीस आज का आज सोमवार है हाँ सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पति शुक्रवार शनिचर इतवार इतवार पढ़ी दास जी सातवा दिन है सातवा दिन में लानना है सात दिन से चार दिन मत करना मैं बता देता हूँ और डरना मत कि ये सूजन हो ही ना मैं खुद बना रहे हो मैं देखे हूँ मोर शरीर में खुद परेशानी रही पर तो दिन में ठीक हो गई तो चार बार आ हमें चार बार वो भी मशीन है ठीक है दादा चल बाबा चल ले लो खाए के दवाई में नहीं दे जी भाई हो सौ रुपया में होता है का गुरु नहीं 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 बाबा वही पूछा थे जैसे तोला चाहे थे तो तू तो एक सौ रुपया तो नहीं ही आ रहे नहीं तो मैं इतना दे वाले बात नहीं है जी आप तुम्हारे इच्छा मुताबिक अपन इच्छा मुताबिक देते हैं अरे बीमारी ला तो देख के चढ़ाई करो रे भैया कोई गलत करा तो नहीं सही बात है सब मन समझदार है अपन हिसाब से जी तुम तो पढ़े लिखे हो जी हम तो पढ़ आदमी हो जी वही चला पूछा दिन का है संडे फिर आना छे हमला वही वजह से पूछा दिन दादा मैं तो कई ठन ऐसे है नहीं सारा अपन देखो उसमें सिर्फ चढ़ाना है बाबा भी नहीं देना ऐसे चढ़ाना है नहीं बाबा के कृपा से ऐसे बाबा अपन समझदारी ऊपर में जी बीमारी उसको सातवां दिन में लाना तब तुम आओ ना तो मैं चले कोई आओ तब देखो हां वही चीज तुम्हें ये चीज दादा जैसे ना लोग मन आते तक का दर्द के इंजेक्शन लगा लगी मैं बता देता हूं दर्द के इंजेक्शन लगा लगे अगली और ठीक है और लगा लगे जी सूजन हो जाएगा तो दर्द बहुत ही बता देता हूं अगली दवाई खाई नहीं खाई खाई तो बोल दीजिए अब उसका अपने हिसाब से देखिए बाबा चल ठीक है बाबा आदमी मन तो चल दिन अब आ से जैसे आते तक काका धर के आते आपके पास मर करा एक ठुना जा रहा होगा अगरबत्ती ऐसे का तो नारियल अगरबत्ती लगती है और सरसों तेल भी लगता है सरसों तेल भी लगता है अच्छा तो मैं काम की सरसों तेल तुम्हारे काम लगना चाहिए चढ़ाते हैं ठीक देखो अभी दादा जी आई से 95 साल के और हाथ ला हाथ को ऐसे टूट गई दादा जी बोला पूरा जोड़ी से थोड़ा दूर सुना भी आई